नमस्कार तुला राशि वालों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, खुशियों का पैगाम आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटे में एक साथ तीन बड़े शौक संदेश। जी हाँ तुला राशि वालों, खुशखबरी सुनकर आपका पूरा परिवार का सदस्य खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दायित्व बनता है कि आप अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें, क्योंकि तुला राशि वालों हम आज की इस वीडियो में वो जानकारी देने वाले हैं, वो खुशखबरी के राज बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो तुला राशि वालों आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। ईश्वर अब आपको वो चीज़ देने वाले हैं, वो खुशियाँ देने वाले हैं, जिसकी तलाश आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे। जी हाँ तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे में आपको एक साथ तीन बड़े शौक संदेश मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। अगले 24 घंटे आपके व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, आपके आर्थिक स्थिति व अन्य सभी स्तरों पर चर्चा करेंगे और एक एक जानकारियां हम आपको बताएंगे। आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देखें, आपको सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय मां लक्ष्मी जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए तुला राशि वालों, बात करते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक साथ तीन बड़े शौक संदेश प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, और ये शौक संदेश आपको किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है, चाहे वो संदेश आपके नौकरी को लेकर हो या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से भी हो सकता है, या फिर आपके शादी विवाह को लेकर यह संदेश हो सकता है। लेकिन अगले 24 घंटे में आपको यह संदेश जरूर प्राप्त होगा, फोन के जरिए भी या मेल के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज आप अपने फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें तो ये आज आपके लिए बेहतर होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, भाग्य भी आज आपका तकरीबन 75-80% तक साथ दे रहा है। धन की स्थिति आज बहुत अच्छी रहने वाली है, मां लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के दिन अगर हो सके तो कमल के फूल से मां लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, इससे मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और मां लक्ष्मी जी आपको धनवान बनाएगी। आने वाले अगले 24 घंटे आपको मामा पक्ष की ओर से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, आज का दिन नई शुरुआत के लिए बहुत सही समय है, बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, समय रहते लिया गया निर्णात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी लाभ दे सकता है। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और क्या छू रहे हैं, क्योंकि आज पेट से संबंधित अपच तंत्र भी हो सकता है और जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी उलझन में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, अही और आज आपको इच्छे अच्छे परिणाम भी दिखाई देने वाले हैं, इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगी और वास्तव में किसी बाहरी का कारण से नई तथा कुछ अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आप उल्लास और कुछ कर्म गुजरने के मूड में रहेंगे। आपके सामने आज बहुत सारे अवसर आएंगे और आप उनका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साह में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अगर अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तीय
निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सी गलत सफलता भी मिलेगी। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आप इसका हर पल आनंद उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब हैं, आपके सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत दिनों से जो कल्पनाएं कर रहे थे आज वे सच साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह समय सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा और आपको संबंध को बनाए रखने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ भ्रम की स्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव भी मिल सकता है, जो कि दोस्तों उन अवसरों को आपको नहीं छोड़ना है, जान जी लगा देना है, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही है जो आपके सफलता के द्वार खोल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि फायदा भी है और भरोसेमंद है और पुरस्कार से भी भरपूर है, परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले ना देखा होगा और ना ही सुना होगा, इसलिए आप निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के लिए आपका जो दिन है वो बहुत ही सावधानी से लेना होगा। देखिए दोस्तों, आप अपने प्रति ईमानदार रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इसी से आप हर एक परिस्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो आपको भी अच्छा लगता है वही करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। जो आपका मन कहता है, जैसा आपका मन कहता है वैसे ही आपको करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह भी सोचने में समस्या हो सकती है कि कहाँ से शुरू करूं, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। और जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं उनकी मेहनत का फल पाने के लिए यह एक अच्छा समय है। यही चीज काम कर रहे पेशेवर लोगों के लिए भी लागू होती है। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का दिन आपको निवेश नहीं करना है। निवेश की योजना को आज ठंडी बस्ती में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, निवेश के लिए समय नहीं है अच्छा, बाकी समय आपके लिए अच्छा है। और अगर यात्रा कर रही हैं तो आज के दिन आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सितारे हैं वो हमें यह संकेत दे रहे हैं कि आज आपको थोड़ा सा दिक्कत और कष्टदायक हो सकता है यात्रा के दौरान, इसलिए आप यात्रा ना ही करें तो आज के दिन बेहतर रहेंगे।